बाजरे की जो खेती है वो कैसे होती है, किन क्लाइमेटिक कंडीशन में होती है, कब सबसे ज़्यादा हो सकती है, इसकी वैरायटीज क्या हैं। जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है उसमें भी बाजरा बड़ी सफलता से उत्पादन ले सकते हैं। एमपीएम है 17 जैसे इस एरिया में बहुत चलता है, जीएचबी 905 जैसे गुजरात का बहुत डोमिनेंट हाइब्रिड है। जहाँ पर भी बाजरा खाया जाता है वहाँ पर आप देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स बहुत कम पाए जाते हैं। दो मुख्य इसमें रोग आते हैं, एक तो डाउनी मिल्ड्यू और एक दूसरा होता है ब्लास्ट। नेचुरली ये भगवान ने हमारे को एक वरदान के रूप में एक फसल दी है। भारत में श्री अन्न को लेके काफ़ी चर्चाएं हैं, इनके प्रोडक्शन से लेके, इनकी प्रोसेसिंग से लेके, इनके उपभोग को लेके, खास करके इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और खास करके क्लाइमेट चेंज में इनके पैदा होने का गुण, जो ये सारी खूबियों को देखते हुए इसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैरायटीज़ भी जो है लॉन्च की हैं, रिलीज़ की हैं यहाँ पे ICR में। तो इसमें, इस मिलेट्स में और श्री अन्न में जो सबसे ज़्यादा वैरायटी प्रभावशाली है, जो प्रभाव रखती है, वो है बाजरा। बाजरे की जो खेती है वो कैसे होती है, किन क्लाइमेटिक कंडीशन में होती है, कब सबसे ज़्यादा हो सकती है, इसकी वैरायटीज़ क्या हैं, इस सब पे बताने के लिए हमारे साथ हैं ICR के जो यूनिट है बाजरे को पूरा कंट्रोल करती है पूरे देश भर में, उसके यूनिट के साइंटिस्ट विकास खंडेलवाल जी, जिनसे हम बात करके समझेंगे कि बाजरा सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्यों है, बाजरे की कौन कौन सी किस्में हैं जो किसानों को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो बाजरा है, बाजरे का पहले बहुत खेती होती थी, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हुआ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, बाजरा मिलेट्स में सबसे ज़्यादा प्रभावी क्यों माना जाता है? बाजरा जो है हमारे जो मतलब एरिड जो जोन कहते हैं, जो मतलब पूरा सूखा ग्रस्त इलाका है, उसके अंदर बाजरा जो है ये एक वरदान है। मतलब इसका कारण है क्योंकि बाजरा जो है ये एक बहुत ही जल्दी पकने वाली फसल है, और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें चारा जो जानवरों के लिए उपयोगी होता है वो इसमें बहुतायत पाए, मतलब इसका प्रोडक्शन होता है, और इसी के साथ साथ दाना जो यहाँ पर हमारे पूरे राजस्थान के अंदर और इसके साथ साथ हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में अगर अपने देखें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब में अपने पूरे इसमें कल्टीवेशन किया जाता है इसका। और सबसे ज़्यादा करीबन पूरे भारतवर्ष में लगभग 7.2 से 8 मिलियन हेक्टेयर के करीब तकरीबन अपना पूरा ये बाजरे का जो कल्टीवेशन एरिया है, इसमें 4.5 मिलियन हेक्टेयर के तकरीबन वो केवल राजस्थान में है। उस 4.5 हेक्टेयर में से 3.5 मिलियन हेक्टेयर तकरीबन जो है वो अपने वेस्टर्न राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, चूरू, सीकर, ये एक बहुत ही बड़ा एरिया लेके मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि बाजरा यहाँ पर जानवरों को इसका चारा खिलाया जाता है और यहाँ पर लगभग 12 महीने बाजरे को खाया जाता है। बाजरे को कई तरीके से खाया जाता है, चपाती मतलब जिसको अपने सोगरा कहते हैं, फिर इसके अलावा इसमें खिचड़ी, फिर इसके अलावा इसमें राब। तो ये सब क्या, इसमें पौष्टिक तत्व इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। पौष्टिक तत्व जैसे इसमें लोहा, जस्ता, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जो लोहा आपने, आप जानते हैं जैसे कि अपने जो ग्रामीण इलाका है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनीमिया की है। जो हमारी महिलाएं होती है, जो हमारी बच्चियां होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें लोह तत्व तो कम पाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन कम बनता है। तो उसमें मतलब अपने उसको ये बढ़ाता है, लोह तत्व तो जो होता है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि खून बनने के लिए। इसके अलावा मैग्नीज जो हमारी नर्वस सिस्टम, बाकी जो हमारे मिनरल्स होते हैं, वो ज़रूरी जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए, वो इसमें बहुतायत पाए जाते हैं। नेचुरली ये भगवान ने हमारे को एक वरदान के रूप में एक फसल दी है। इसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, इसमें अच्छी मात्रा में वसा होता है, और बाजरे के अंदर जहाँ पर भी बाजरा खाया जाता है वहाँ पर आप देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है, कोई फसल नहीं उगती है, उसमें भी बाजरा बड़ी सफलता से अपने इसका उत्पादन ले सकते हैं और बहुत अधिक ले सकते हैं जी। एक अगला सवाल ये है कि जो ये बाजरे का खेत है ये कितने दिन का हो गया है और ये फसल कितने दिन की होती है, इसके बारे में जान सकते हैं? हमारा जो ICR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ये जो यूनिट है, ये इसने तीन
हिस्सों में इसको बारिश के आधार पर बांट रखा है, A1 जोन, ए जोन और बी जोन। A1 जोन जहाँ पे 400 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। A1 जोन में जैसे मुख्य जो किस्में हैं उसमें से जैसे HHB 67 इम्प्रूव्ड जिसका सबसे बड़ा एरिया है, इसके अलावा यहाँ पर MPMH 21 जो इस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो PC यूनिट के द्वारा एक तैयार किस्म है वो बहुत ही पॉपुलर है। पूरा ड्राई एरिया जो है जिसमें मुख्यतः वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा का जो सूखा इलाका है उसमें और गुजरात का जो सूखा इलाका है वहाँ पर ये किस्में जो जल्दी पकने वाली हैं वो लेते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर मध्यम अवधि में पकने वाली या फिर मध्यम अवधि में पकने वाली जो मुख्य है जो यहाँ पर इस यूनिट से तैयार की गई किस्म है MPMH 17 जो पब्लिक सेक्टर की सबसे पॉपुलर हाइब्रिड है जो पूरे इस वेस्टर्न राजस्थान में ही नहीं अपने हरियाणा में भी गुजरात में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी है और इसका दाना भी बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ इसमें चारे का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चारे की जो खासियत है वो स्टे ग्रीन ट्रेट यानी मतलब हरा रहता है कटने के टाइम भी लगभग। तो ये जो आप बता रहे हैं मध्यम वाली वो कितने दिन की होती है और कहाँ कहाँ पैदा होती है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। जो जल्दी पकने वाली हैं वो लगभग 70 दिन में पक जाती हैं, ठीक है। मध्यम अवधि जो है लगभग 82-84 दिन लगभग लेती हैं, 80 दिन तक। और अपना जो लेट जो होती हैं जो देरी से पकने वाली होती हैं वो लगभग 80-82 से ज़्यादा दिन लेती हैं। तो इस तरीके से इन तीन कैटेगरीज में इनको बांटा गया। मैक्सिमम देखा जाए तो 3 महीने में बाजरे बिल्कुल। और ये सब इसका कारण है ये C4 है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है इसमें मिलेट्स को माना जाता है कि ये सबसे फिट हैं ये क्रॉप्स, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सिनेरियो के अंदर मिलेट्स का जो है रोल बहुत बढ़ जाता है। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म सक्सेस है? इसमें क्या है कि पब्लिक की भी बहुत ही पब्लिक सेक्टर मतलब जिसको अपने सरकारी जो यूनिवर्सिटीज जो होती हैं या अपने ICR के जो संस्थान हैं उनके द्वारा जो तैयार की गई किस्में हैं वो भी हैं इनमें बहुत पॉपुलर। और कुछ हमारे यहाँ पे क्या है कि बाजरे में प्राइवेट कंपनीज भी बहुत हैं, जैसे अपने प्राइवेट पायोनियर हो गया जिसको कोर्टेवा कहते हैं, इसके अलावा क्रिस्टल है, ये कंपनीज भी हैं। तो सभी की जो इल्ड हैं जिसमें से पब्लिक सेक्टर में जो है MPMH 17 जैसे इस एरिया में बहुत चलता है, GHB 905 जैसे गुजरात का बहुत डोमिनेंट हाइब्रिड है। वेराइटीज़ की बात करें अपने तो Raj 171 है वो बहुत ही अच्छी किस्म है, एक संकुल किस्म है। इसी तरीके से ABV 04 है जो साउथ के अंदर अपने कर्नाटका में और उधर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है क्रॉप है। तेलंगाना में जो बी जोन कहते हैं जिसमें वहाँ पर उस वेराइटी को काफ़ी ज़्यादा एरिया है उसका। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग किस्में अनुशंसित की हुई है। इसमें कोई रोग लगता है जिसका ध्यान रखा जाए? अभी जो हमने जिस तरीके से बाजरा में जो रिसर्च हुआ है, सबसे बड़ी आपको मैं एक बात बता के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है रिसर्च का प्रोग्राम पूरे मतलब जिसमें चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हमारे दो मुख्य इसमें रोग आते हैं। इसके अलावा और भी रोग हैं लेकिन मुख्य रोग एक तो डाउनी मिल्ड्यू और एक दूसरा होता है ब्लास्ट। आप ब्लास्ट में देखा होगा आपको थोड़े जले हुए से पत्ते दिखते हैं और डाउनी मिल्ड्यू मतलब इसमें बालियां जो होती हैं वो उसमें लीफी टाइप स्ट्रक्चर बन जाती हैं और वो थोड़ा आपको बड़ा मतलब दिखाई देने लग जाता है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, दाना नहीं बनता है। हाँ दाना नहीं बनता उसमें। हरित बाली रोग कहते हैं इसको, हरित बाली रोग कहते हैं। तो उसका हमारे यहाँ पर सिक प्लॉट है उस तरफ, उसमें हम पूरी स्क्रीनिंग करते हैं। ये उसके पश्चात ही ऐसी कम से कम हमारे भारतवर्ष में 5 या 6 हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम इसको स्क्रीन करके उसके बाद ही हम इसको रिलीज करते हैं। जी जो ये रोग ना लगे तो किसानों को कब क्या छिड़काव करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? छिड़काव का तो इसमें जैसे इसमें हमारे जितने भी हाइब्रिड्स और जो हैं इसके अंदर लगभग नहीं के बराबर मतलब आपको मिलेगा ये रोग, हरित बाली भी। ब्लास्ट जरूर हमें दिखेगा। तो ब्लास्ट का क्या है कि वातावरण जो परिवर्तन हो रहा है इसके कारण से थोड़ा सा बारिश कहीं पे कभी ज़्यादा हो जाती है, इस कारण से वो आपको दिखाई देता है। तो बाकी इसका बीज उपचार करके अपने इसको रोग से बचा जा सकता है। ये जो है मात्र 42 दिन का बाजरा है, बालियाँ आ चुकी हैं, अगले 20-25 दिन में ये पक के तैयार भी हो जाएगा। तो किसानों के लिए बाजरा एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है, बाजरे की खेती एक फ़ायदे का सौदा हो सकती है। वो खास करके इसका रेट भी अच्छा होता है और खाने में पौष्टिक भी होता है। अभी भारत सरकार की सबसे बड़ी मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी का, जिन्होंने इसकी MSP भी बढ़ाई है। इसके अलावा इसको पिछले जो 2023 का जो वर्ष था इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में भी अपने ने इसको सेलिब्रेट किया। तो ये हमारे माननीय
प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय कदम है जी। तो किसान क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने मौसम की मार से बचने के लिए और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाजरे की खेती को एक बढ़ा सकते हैं और बाजरे की खेती उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मनीष मिश्रा का ओजनशन।